हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव, बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे SBI PO 2020 के बारे में। SBI PO 2020 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उसके अपडेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी लोग हैं 2020 में SBI PO पर फोकस कर रहे हैं, आप लोग रेडी हो जाइए, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वैकेंसी कितनी आएगी, नोटिफिकेशन जल्दी आ सकती है क्या इस बार, क्योंकि इस बार SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन जल्दी आ गई है, तो इस बार SBI PO का भी नोटिफिकेशन जल्दी आएगा क्या। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको अभी क्या करना चाहिए, जो भी नोटिफिकेशन आई है SBI क्लर्क की फ्रेश नोटिफिकेशन और RBI असिस्टेंट की, तो अभी आपको SBI PO पर आप फोकस कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उसको हम एक डिटेल में डिस्कस करते हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अभी से ही आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि SBI PO का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद से सभी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आप पहले से, नोटिफिकेशन आने के पहले से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, एक आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप फोकस हैं 2020 SBI PO पर, तो आप अभी से ही स्टार्ट कीजिए, अभी से ही अपना स्ट्रेटजी बनाइए और प्रिपरेशन कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आप में से जो भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन 2020 का कब तक आएगा। तो देखिए, जो जनरली जो नोटिफिकेशन आता है, जो पास्ट की जो ट्रेंड देखी जाए 2018 की, 19 की, तो अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाती है। तो क्या इस बार SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन जल्दी आई है, तो SBI PO की नोटिफिकेशन भी जल्दी आ सकती है क्या? तो हाँ फ्रेंड, नोटिफिकेशन आ सकती है, एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा सकता है, बट नोटिफिकेशन आने की चांसेस है। अप्रैल के पहले भी नोटिफिकेशन आपकी आ सकती है, तो आपको अभी से ही रेडी रहना है। नोटिफिकेशन जैसे आएगा उसके बाद से सब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी क्वेश्चन आप लोग का रहती है कि इसमें वैकेंसी कितनी आएगी। तो देखिए, जो वैकेंसी जो हर साल आती है, आपको 2000 के आसपास में वैकेंसी आती है, तो उसी के आसपास में आपकी वैकेंसी रहेगी। कुछ ज़्यादा हो सकती है, कम तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट जो है वो हो रही है, तो वैकेंसी डेफिनेटली उसके आसपास में आएगी। 2000 से लेकर के 2000 मतलब 2000 से लेकर के 2400 के आसपास में आपकी वैकेंसी रहेगी। तो देखिए, अभी आपको क्या करनी चाहिए, अभी आपको जो फ्रेश नोटिफिकेशन आए SBI क्लर्क का और RBI असिस्टेंट का, वो उसको आप डेडिकेशन के साथ उस पर फोकस रहो, उसको फोकस करो, और उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप अच्छे से उसको सॉल्व करो। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, सबसे पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद ही कोई आप मॉडल पेपर में जाओ, उसको आप ये करो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का पेपर जब कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको आगे भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो अभी अभी फर्स्ट एग्जाम देने वाले हैं, क्लर्क का एग्जाम देने वाले हैं, असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं, और 2020 में SBI PO पर देने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो भी हो, आप बेसिक अपना क्लियर करो। आप मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जो भी मैथ रीजनिंग का जो बेसिक है उसको आप कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करो। आप SBI PO पर भी फोकस करो, SBI PO का टेस्ट सीरीज आप लगाओ, SBI PO का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करो। इससे क्या रहेगी, आपकी प्रैक्टिस एक रिदम में रहेगी, तो आप आराम से जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो प्री में। और अभी से मेन को भी लेके चलना है आपको, GA का जो सेक्शन है अभी से करना है, और मेन में जो भी क्वेश्चन पूछी है रीजनिंग और मैथ में, उसको आपको साथ साथ लेके चलना है। तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको एग्जाम का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड, आपको ये चीज़ें थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, और अपने प्रिपरेशन में और भी आप एनर्जी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। मेरे चैनल बैंकिंग करियर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस पर डिटेल जो भी मैं स्टडी मटेरियल है उसको अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।